हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HORT 111 फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर लेक्चर सेकंड, हॉर्टिकल्चर एंड बोटनिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस लेक्चर आई विल कवर ऑल क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर फसलें हैं, जो भी उद्यानिकी फसलें हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्पाइस हैं। तो अपने इस लेक्चर के अंदर हर किसी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये है कि जो अपना सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार तो ये है कि अपने कोई डिफाइंड प्री डिफाइंड नहीं कह दिया कि भाई कौन सी फसल का या कितनी हद तक उसको क्लासिफाइड पढ़ना है, अपने को क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अब हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन बहुत ही वाइड है, मतलब बहुत से तरीकों से हर जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल है उनको क्लासिफाइड किया जाता है। तो अपने को सारे के सारे एक बार देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक पहला। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि क्लासिफिकेशन किया क्यों जाता है। क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि जिससे कि जो पौधे हैं उनको किसी एक ग्रुप में रखा जा सके, उनके नेचर के हिसाब से कि भाई उनका नेचर एक जैसा है, या उनकी कोई प्रकृति या उनकी जो हैबिट कह लो कि जो उनका स्वभाव है उसके अनुसार, या उनकी जो कृषि क्रियाएँ हैं वो एक जैसी हैं, उनके अनुसार उनको डिवाइड कर दिया जाता है एक ग्रुप में, जिससे कि ये पता चल जाए कि अपने जो कृषि क्रियाएं करनी होती हैं, आगे अपने को उसकी कल्टीवेशन करनी होती है तो उसके ऊपर अपने ज़्यादा ध्यान दे सकें कि भाई इसकी कल्चर जो प्रैक्टिस है ऐसी सेम ही है, इसके जैसी है, तो उनको एक ग्रुप में रखा जा सके, तो उसको ज़्यादा जल्दी से उस चीज़ को समझा जा सके, उस फसल के ग्रुप को ज़्यादा जल्दी समझा जा सके, इसलिए उसको क्लासीफाइड करते हैं। तो सबसे पहले है क्लासीफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, फलों का क्लासीफिकेशन। तो इसमें पहला है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है इसे इसमें पहले ये मान लो कि जो सबसे पहले जो प्लांट किंगडम है, ठीक है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है, उसको आगे चार क्लास के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक, एक तो थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा पटेरिडोफाइटा, चौथा स्पर्मेटोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंदर आ जाती है फंजाई है, ठीक है, जो हायर प्लांट है, फंजाई है, लाइकन्स है, एल्गी है, कुछ के अंदर तो क्लोरोफिल पाया जाता है और कुछ के अंदर नहीं पाया जाता, और इसमें से कुछ ये कह लो कि ज़्यादातर ये कह लो कि सारे के सारे ये भी नॉन वैस्कुलर हैं। नॉन वैस्कुलर मतलब इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते। ठीक, तो फिर है ब्रायोफाइटा, दूसरा ग्रुप। ब्रायोफाइटा में भी नॉन वैस्कुलर प्लांट्स ही आते हैं, जैसे मॉसेज होती हैं, और कुछ हद तक ये दिखने में कह लो कि पौधों से मिलते होते हैं, ठीक है, पौधों से मिलते जुलते होते हैं, इसमें भी जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। फिर आते हैं पटेरिडोफाइटा, पटेरिडोफाइटा में वैस्कुलर फर्न्स आती हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो सिस्टम जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, फर्न्स आ जाते हैं इसके अंदर। और उसके बाद आता है स्पर्मेटोफाइटा, इसको आगे दो क्लास के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में ज़्यादातर जो हायर एल्टीट्यूड के प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर ऊंचाई पे उगाए जाते हैं, जैसे कोनीफर है, साइकड्स हैं, जिनका प्रोपोगेशन स्पोर्स से होता है, तो उनको रखा जाता है। फिर है एंजियोस्पर्मी, जिनको बीज से प्रवर्धित किया जाता है, तो मोनोकोटिलेडोनी और डाइकोटिलेडोनी, इसमें दो आगे क्लास होती हैं, मोनोकोटिलेडोनी और डाइकोटी, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री है, दूसरा द्विबीजपत्री है। तो इसको आगे फिर क्लासीफाइड किया जाता है फैमिली, जनेरा, फिर स्पीसीज के अंदर, फिर बोटनिकल वैरायटीज, मतलब फैमिली एक फैमिली के अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जीनस कौन कौन से है, उस फैमिली के अंदर कितने जीनस हैं, फिर उस जीनस के अंदर कितनी स्पीसीज है, फिर उस स्पीसीज जीनस स्पीसीज एक है तो उसके अंदर कितनी किस्में हैं, जो बोटनिकल वैरायटीज कह देते हैं, या कल्टीवार कितनी है उसकी, वो चीज़। ठीक है, तो पहले है मोनोकोटिलेडोनी, जो मोनोकोट फ्रूट्स हैं वो, तो सबसे पहली फैमिली है अपनी एरेकेसी फैमिली, ठीक है, इसके अंदर कोकोनट जो नारियल है वो आ जाता है, इसका साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम कोकस न्यूसीफेरा, क्रोमोसोम नंबर 32 होते हैं, मतलब गुणसूत्र संख्या, डिप्लोइड गुणसूत्र संख्या 32 होती है, ठीक है, जो सारी की सारी जितनी इधर साइड लिखी हुई है वो डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर ही है इसके, ठीक है। तो दूसरा इसी में फसल आ जाती है, यानी कि दूसरी जीनस और स्पीसीज एक ही फैमिली के अंदर, अरेका नट, अरेका नट मतलब सुपारी, अरेका कटेचू साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम,
और 32 क्रोमोसोम नंबर। फिर ऑयल पाम, ताड़ तेल या तेल ताड़ बोल देते हैं शायद हिंदी में से, तो एलेइस गुनेंसिस, इसके गुणसूत्र संख्या जो है 32। फिर आ जाता है डेट पाम, खजूर, इसका साइंटिफिक नेम फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा और क्रोमोसोम नंबर 36। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट फैमिली है इसमें ब्रोमेलिएसी। ब्रोमेलिएसी में पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल अनानास होता है, अनानास कोमोसस बोटनिकल नेम, 50 क्रोमोसोम नंबर। इसके अलावा मोसेसी फैमिली आ जाती है नेक्स्ट, मोनोकोट के अंदर ही, ठीक है, ये तीन जो फैमिली है मोनोकोट की है। मोसेसी फैमिली, बनाना केला आ जाता है, मूसा पैराडिसिका बोटनिकल नेम है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं डिप्लोइड भी होते हैं, ट्राइप्लोइड भी होते हैं और टेट्राप्लोइड भी होते हैं, मतलब 22, 33 और 44। ठीक है, डिप्लोइड, टेट्राप्लोइड और सॉरी ट्राइप्लोइड और टेट्राप्लोइड। ठीक है, उसके बाद है डाइकोटिलेडोनस। डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री है, तो इसकी जो फैमिली आती है इसमें फलों के अंदर अनाकार्डियासी फैमिली है, जिसमें मैंगो आ जाता है, आम, मैंजीफेरा इंडिका, इसमें जो गुणसूत्र संख्या है 40। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कैशोनट, काजू, अनाकार्डियम ओसिडेंटल और क्रोमोसोम नंबर 42। ठीक, नेक्स्ट इसी के अंदर एक और फसल आ जाती है पिस्ता, पिस्टेचिया वेरिया, और इसके क्रोमोसोम नंबर 30। फिर नेक्स्ट डाइकोटिलेडोनस की नेक्स्ट फैमिली है एपोसाइनेसी, जिसमें करौंदा आ जाता है। ठीक है, करौंदा हिंदी में भी करौंदा ही कहते हैं, कैरिसा कैरेंडस बोटनिकल नेम है और 22 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। थोड़ी सी मैं स्पीड खींच रहा हूँ। कैरिकेसी फैमिली है पपाया पपीता, कैरिका पपाया, 18 क्रोमोसोम नंबर। यूफोरबियासी है आंवला, ठीक है, आंवला जिसको बोलते हो, अम्बेलिका ऑफिसनेलिस और क्रोमोसोम नंबर 18। रबड़, ठीक है, जो रबड़ होती है ये एक प्लांटेशन फसल है, हेवेलिया ब्रेसिलेंसिस, 36 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और जुगलैंडेसी फैमिली, जिसमें वॉलनट अखरोट आ जाता है, जुगलेंस रेजिया, 32 क्रोमोसोम नंबर। लेग्यूमिनेसी फैमिली है टैमरिंड, जिसको इमली बोल देते हो, टैमरिंडस इंडिका, 24 क्रोमोसोम नंबर। मोरेसी फैमिली है फिग, ठीक है, जिसको अंजीर कहते हो, फाइकस कैरिका, 26। जैक फ्रूट, इसी के अंदर आ जाता है फैमिली में, जैक फ्रूट होता है कटल, ऑटोकार्पस हिट्रोफिलस, 56 इसमें क्रोमोसोम नंबर। फिर आ जाती है माइटियासी फैमिली, जिसमें गुवावा, अमरूद, सीजम गुवावा, 22 क्रोमोसोम नंबर। फिर जामुन आ जाता है इसी के अंदर, इसी फैमिली में माइटियासी में, सीजम क्यूमिनी, 40 क्रोमोसोम नंबर। फिर पुनिकेसी फैमिली है, इसमें पोमग्रेनेट आ जाता है, पोमग्रेनेट मतलब अनार, पुनिका ग्रेनेटम, क्रोमोसोम नंबर 18। नेक्स्ट है नमेनियसी फैमिली, जिसमें बेर आ जाता है, जिजिपस मोरिशियाना, वैसे जो इसके हैं आगे स्पीसीज भी हैं, जिजिपस मोरिशियाना, जिजिपस रोटंडी, जिजिपस मोरिशियाना, जिजिपस जजूबा, ठीक है, तो तीन वैसे तो है, तो ज़्यादातर मोरिशियाना जो कल्टिवेटेड है, 48 इसके क्रोमोसोम में होती है, जो टेट्राप्लोइड होता है। उसके बाद रोजेसी, ऑलमंड, प्रूनस अमाइग्लेडस, 16, एप्पल सेब होता है, मेलस डोमेस्टिका, एप्रिकोट खुबानी होता है, और प्रूनस आर्मेनिका 16 होते हैं, पीच होता है आड़ू, प्रूनस पर्सिका 16, पियर होता है नाशपति, प्रूनस सॉरी पायरस क्यूमिनिस 34 क्रोमोसोम नंबर। प्लम यूरोपियन प्लम है, प्रूनस डोमेस्टिका, इसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 48, मतलब ये टेट्राप्लोइड होता है। इसके अलावा प्लम है जापानीज, ठीक है, प्रूनस सेलिसिना, इसमें 16 होते हैं क्रोमोसोम नंबर। फिर है स्ट्रॉबेरी, फ्रेगेरिया सिलोएंसिस, 14 होते हैं क्रोमोसोम नंबर। उसके अलावा रूबियसी फैमिली, जिसमें कॉफ़ी आ जाती है, कॉफिया अरेबिका, इसमें क्रोमोसोम नंबर 44 होते हैं। रूटेसी फैमिली के अंदर बेल, बेल जिसको आप बेल पत्थर कहते हो, एजल मार्मिलोस, क्रोमोसोम नंबर 18। फिर आ जाता है सिट्रॉन, ठीक है, ये भी एक नींबू वर्गीय फल कह लो, सिट्रॉन, ठीक है, सिट्रस मेडिका 18। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट है, सिट्रस पैराडिसी 18। ग्रेप फ्रूट को ग्रेप्स मत समझना, अंगूर मत समझना, ये ग्रेप फ्रूट अलग होता है, ठीक है। और करना खट्टा, सिट्रस करना,
इसमें क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं। नेक्स्ट है जंभीरी, सिट्रस जंभीरी ज़्यादातर रूट स्टॉक यूज किया जाता है, 18 क्रोमोसोम नंबर। लेमन है सिट्रस लाइमोन, 18 क्रोमोसोम नंबर। लाइम, उसके बाद सिट्रस ऑरेंटिफोलिया जिसको खट्टा नींबू कह देते हैं, ठीक है, इसमें ऑरेंटिफोलिया सॉरी नींबू जिसको सही में नींबू होता है जिसको अपने ज़्यादातर यूज करते हैं, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया 18। फिर है मैंडेरिन और ऑरेंज, यानी कि जो संतरा कह लो या नारंगी कह लो, वो है सिट्रस रेटिकुलाटा, क्रोमोसोम नंबर 18। उसके बाद रंगपुर लाइन ज़्यादातर रूटस्टॉक यूज किया जाता है, सिट्रस लाइमोनिया 18 क्रोमोसोम नंबर। स्वीट लाइम सिट्रस लेमेटोइड्स, क्रोमोसोम नंबर 18। स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज होता है मौसमी, सिट्रस साइनेंसिस, क्रोमोसोम नंबर 18। फिर है पुमेलो सिट्रस ग्रांडिस, इसमें क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली आ जाती है स्पोटेसी, जिसके अंदर स्पोटा चीकू आ जाता है, ठीक है, आर्कस एक्रस जापोटा, ठीक है, 26 क्रोमोसोम नंबर। स्पेंडेसी फैमिली जिसमें लीची आ जाती है, लीची चाइनेंसिस। इसके अलावा स्ट्रेकुलेसी फैमिली है जिसमें कोकोआ आ जाता है, थियोप्रोमा कोकोआ भी लिख देते हैं, कोकाओ भी वो लिख देते हैं इसको, ठीक है, 20 क्रोमोसोम नंबर। फिर आ जाता है थिएसी फैमिली जिसके अंदर टी आ जाती है, चाय, ठीक है, कैमेलिया साइनेंसिस, क्रोमोसोम नंबर 15। फिर है टिलियसी फैमिली जिसमें फालसा आ जाता है, ग्रेविलिया सेवनिक्वेलिस, 36 क्रोमोसोम नंबर। फिर आ जाता है विटेसी फैमिली, वी से विटेसी फैमिली, ग्रेप्स आ जाता है जो एक्चुअल में अंगूर होते हैं, ठीक है, अंगूर, पहले ग्रेप फ्रूट था वो सिट्रस का फल था, थोड़ा किन्नू और संतरे से बड़ा होता है, और ग्रेप्स जो आम अंगूर, विटस वाइनिफेरा, और क्रोमोसोम नंबर 38। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अपना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, ठीक, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट मतलब जलवायु की जो आवश्यकता है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्लाइमेट के अंदर ये तीन क्लाइमेट जोन जहाँ जलवायु कौन कौन सी हैं, पहली है टेम्परेट, दूसरी है ट्रॉपिकल, तीसरी है सब ट्रॉपिकल, ठीक है, इंडिया जो भी है इसको तीन क्लाइमेट जलवायु के अंदर जो है उसके अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहला तो है टेम्परेट फ्रूट्स, टेम्परेट या टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट जो उत्तरी भारत है, नॉर्थ इंडिया है, जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो वो क्षेत्र टेम्परेट जोन में आते हैं। जो सेंट्रल इंडिया है जहाँ एरिड जोन थोड़े बहुत हैं, वो सब ट्रॉपिकल के अंदर आता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आते हैं। और जो साउथ इंडिया है जहाँ समुद्र तट के किनारे जहाँ कोस्टल बेल्ट्स हैं, वो सारे के सारे ट्रॉपिकल के क्लाइमेट के अंदर आते हैं। तो टेम्परेट जो है इसकी क्या खासियत होती है, टेम्परेट के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा रहता है, बर्फ भी पड़ती है इन क्षेत्रों में, और ह्यूमिडिटी भी अच्छी रहती है, मतलब जो वातावरण में नमी होती है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है, और ऐसे जो यहाँ पे भी जो फल होते हैं उनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उनको कुछ घंटे तक तापमान बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जिसके उस उनका फलन हो सके, तो इस चीज़ को चिलिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं उनकी, ठीक है, चिलिंग रिक्वायरमेंट मतलब जिससे कि उनका कुछ घंटे तापमान 5 डिग्री से कम हो जिससे कि उनके पुष्पन को प्रमोट कर सकें वो। ज़्यादातर जो भी फल होते हैं इस एरिया के वो डेसिडस होते हैं, डेसिडस मतलब पतझड़ी होते हैं, ठीक है, मतलब जब मौसम ठंडा हो जाता है, बर्फ वाला होता है, उस टाइम इनके पत्ते जड़ जाते हैं कि अपने आप को ये बचाने के लिए, उस इंजरी से, बर्फ की इंजरी से पौधों को नुकसान ना हो, पत्ते जड़ जाते हैं और अकेली शाखाएं शाखाएं रहती हैं, और वो उस टाइम ही इनको चिलिंग जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है, उस टाइम मौसम ठंडा होता है और जैसे ही बर्फ पिघलती है और इनमें पुष्पन स्टार्ट हो जाता है, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, टेम्परेट फ्रूट्स के अंदर। तो इनका जो एग्जाम्पल है जैसे एप्पल है, सेब, पियर है, नाशपति, पीच है, आपका आड़ू, आलमंड है, बादाम, वॉलनट है, अखरोट, प्लम, आलू बुखारा, एप्रिकोट, खुबानी, इसके अलावा पैकन नट है, हेजल नट है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ये कुछ फल इसमें उगाए जाते हैं, इस क्लाइमेट के हैं, टेम्परेट क्लाइमेट के हैं। फिर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल
मैंने जैसे कहा था कि ये साउथ इंडिया वाला जो क्षेत्र है, जहाँ जो भी कोस्टल बेल्ट्स हैं, जो समुद्र तटीय किनारे हैं, ठीक है, जहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, अगर बरसात ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, वातावरण बहुत ही ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ही चिपचिपा सा वातावरण रहेगा वहाँ पे। दूसरा वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, हाई टेम्परेचर भी नहीं होता और ना ही बहुत ही कम होता है वहाँ पे। अगर कम से कम तापमान भी मानोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा नीचे सर्दियों के अंदर, और गर्मियों के अंदर भी वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा फील होती है वहाँ की ह्यूमिडिटी के कारण, मतलब पसीना ज़्यादा आता है ह्यूमिडिटी के कारण, वहाँ पे जो आर्द्रता है उसके कारण। तो ऐसे क्लाइमेट के अंदर डे और नाइट के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं होता, मतलब दिन और रात का तापमान में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता ना। ऐसे नहीं कि कह सकते कि जैसे एरिड जोन में रहता है कि एकदम से तापमान नीचे चला गया रात का और जैसे ही सूरज निकला और रात तापमान फिर राइज हो गया, ऐसा नहीं होता। इस ट्रॉपिकल फ्रूट ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है इसमें नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है एक खासियत, तो दूसरा यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तीसरा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होता, ठीक है। सर्दी और गर्मी अलग से नहीं आती, अलग इसलिए नहीं आती क्योंकि तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता ही नहीं है, वही 20 से लेके 35 डिग्री के बीच में तापमान रहता है, तो ज़्यादा तापमान में उतार चढ़ाव है ही नहीं, तो अलग से सर्दी गर्मी आएगी कहाँ से, ठीक। तो फिर है इसके अंदर जो फल आते हैं, जैसे आम है, मैंगो, गुवावा है, ठीक है, अमरूद, बनाना, केला, पाइनएप्पल जिसको अनानास कहते हो, सपोटा, चीकू, जैक फ्रूट होता है, कटहल, पपाया, पपीता, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, कैरम्बोला, परसिमोन, कोकोनट, नारियल होता है, कैशोनट, काजू, ये प्लांटेशन फसलें हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्या खासियत होती है कि जहाँ पे एक तो बरसात अनिश्चित होती है पहली तो बात, जिसके कारण ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, और जहाँ पे दिन और रात के तापमान में अंतर रहता है, ठीक है, और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता रहता है, मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है, बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, कभी बहुत कम भी हो जाता है। अब जैसे मान लो कि सर्दियों के अंदर तापमान 1 डिग्री तक भी चला जाता है, अपने गंगानगर की बात ही कर लो जिस एरिया में अपने रहते हैं, तो वहाँ पे तापमान 1 डिग्री तक भी चला जाता है, माइनस में भी कई बार चला जाता है, और अगर ऊपर जाने लगे, बढ़ने लगे तापमान, तो ये 40 और 50 डिग्री तक भी कई बार तक पहुँच जाता है, कि 50 के आसपास पहुँच जाता है, ठीक है। इस चीज़ की जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इसमें ये कमी रहती है, कि भाई इतना ज़्यादा ऊपर और इतना ज़्यादा कम नहीं रहता, मतलब अपने सर्दी भी अलग से पड़ती है जिसको सर्दी का मौसम कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है, और गर्मी भी अलग से पड़ती है जिसमें गर्मी भी बहुत रहती है, ठीक। ये एक बीच का तापमान है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट तापमान के बीच का मान लो एरिया, और एरिया भी अपना बीच का ही है, सेंट्रल इंडिया के अंदर लगभग लगभग अपने एरिया आ जाता है, इसको अगर एक लंबी लाइन के अंदर डिवाइड किया जाए तो अपने बीच में रह जाते हैं। तो वैसे अपने जो एरिड जोन्स होते हैं, एरिड क्लाइमेट है, थोड़ा अलग रह जाता है, पर इसके अंदर ही काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बरसात नहीं होती, वहाँ की मिट्टी अलग होती है, वहाँ पे तापमान में ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन होता है, वो चीज़, ठीक है, वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही आ जाते हैं। तो इसमें फल कौन कौन से होते हैं, जैसे फिग है, अंजीर, बेर है, पोमग्रेनेट है, अनार, डेट पाम है, खजूर, बेर, ठीक है, फिर आके सिट्रस, सिट्रस मतलब जो नींबू वर्गीय फल ज़्यादातर हैं वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कल्टीवेटेड होते हैं। इसके अलावा फालसा है, लोकाट है, लीची है, करौंदा है, अंगूर, ग्रेप्स अंगूर है, बेल, बेल पत्तर है, आंवला है, आंवला, ठीक है, इसके अलावा एवोकाडो है। ये फल अपने जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उस कैटेगरी में आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ग्रोथ। नेचर ऑफ ग्रोथ मतलब जो विकास की प्रकृति है, जब वृद्धि की प्रकृति है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हर्बेसियस, मतलब शाकी है, दूसरा आ जाता है शर्बेसियस, जानी कि जो झाड़ीदार होते हैं, ठीक है, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, हर्बेसियस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, पौधे जैसे कच्चे रहते हैं ना, ग्रीन कलर के उनके तने जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है वो चीज़ होती है, और शर्ब के अंदर होता है जिनके अंदर अलग से ये कह लो कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो पाई जाती है, जाकर एक हार्ड होती हैं, कमज़ोर नहीं होती,
ब्राउन कलर की भी होती हैं और ज़्यादा हाइट नहीं लेते पौधे। और तीसरी कैटेगरी आती है वुडी और ट्री। वुडी यानी कि जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, सिंगल स्टेम होता है, ठीक है, पेड़ की तरह दिखते हैं वो। और तीस चौथी इसमें क्लास आ जाती है क्लाइंबर, जो बेल की तरह बढ़ते हैं, मतलब ग्रोथ के हिसाब से बेल की तरह बढ़ते हैं। तो हर्बेसियस के अंदर जो शाकिया पौधे होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, उसमें एग्जाम्पल है बनाना, जैसे केला है, ठीक है, इसमें आभासी तना पाया जाता है। और इसमें पाइनएप्पल आ जाता है, अनानास, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, ये भी एक छोटी सी हर्ब है, ये एनुअल पौधे, ये स्ट्रॉबेरी तो लगभग एनुअल ही होती है। इसके अलावा शर्बेसियस के अंदर जो शर्ब की तरह दिखते हैं और पेरिनियल होते हैं नेचर वाइज, मतलब बहुवर्षीय होते हैं, जैसे करौंदा है, फालसा है, पोमग्रेनेट, अनार है, ठीक है। और वुडी के अंदर ज़्यादातर जो फल हैं वो वुडी हैं, जैसे मैंगो, बेर, सपोटा, जामुन, गुवावा, पियर, पीच, एप्पल, जैक फ्रूट, ये सारे के सारे वुडी होते हैं, मतलब जो भी पेड़ की तरह दिखाई देते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। फिर क्लाइंबर्स हैं, जैसे अंगूर है, ग्रेप्स और कीवी है, ये थोड़ी क्लाइंबिंग टाइप इनकी बेल होती है, ठीक है, होती है, ये भी पेरिनियल है और ये बेल की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रूट टाइप्स। अब फल के प्रकार के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक, अपने इसको ज़्यादा डीपली नहीं जाना, तो सीधा सीधा याद रखना। बेरी, बेरी के अंदर आ जाते हैं बनाना, केला, पपाया, ठीक है, पपीता, ग्रेप्स, अंगूर, सपोटा, चीकू, कीवी, अरेका नट, सुपारी, एवोकाडो, डेट पाम, खंजूर और गवावा, जिनका फल प्रकार बेरी होता है, ठीक है। फिर होता है पोम। पोम के अंदर ज़्यादा टेम्परेट फ्रूट्स, एप्पल, पियर, क्वींस, लोकाट, मतलब सेब, नाशपाती, क्वींस और लोकाट आ जाते हैं। ड्रूप और स्टोन के अंदर, जिनके अंदर कह लो कि स्टोन होता है या गुठली होती है, जैसे प्लम, एप मैंगो, प्लम होता है आलू बुखारा, आम, पीच होता है आड़ू, बेर, कोकोनट, नारियल, नारियल इसी में आ जाता है, ठीक है, नट्स में नहीं आता, कोकोनट नट लिखा हुआ है पर कोकोनट ड्रूप होता है या स्टोन होता है इसका फल प्रकार। फिर चेरी, कोकोआ, कॉफ़ी, कॉफ़ी कॉफ़ी है, ठीक है, जामुन, ऑलमंड होता है, बादाम, एप्रिकोट, खुबानी, ये सारे ड्रूप या स्टोन के अंदर आ जाते हैं, मतलब इनका फल प्रकार ड्रूप या स्टोन होता है। फिर है हेस्पिरिडियम, इसमें एक ही कैटेगरी आती है सिट्रस, मतलब जो नींबू वर्गीय फल है, कोई भी हो, नींबू हो, संतरा हो, किन्नू हो, आपका लेमन है वो हो, या ग्रेप फ्रूट हो, या पोमेलो हो, सिट्रॉन हो, कोई भी हो, वो हिस्पिरेडियम होते हैं, मतलब उनके जो अंदर से आप फल देखोगे तो वो हिस्पिरेडियम है, ठीक है। नट, नट होते हैं, लीची नट है, ठीक है, कैशो नट है, जो काजू, वॉलनट, अखरोट है, वो भी नट के अंदर आता है, चेस्ट नट है, इसके अलावा पैकन नट है और रामबुटान है, ये सारे के सारे नट टाइप के फल हैं। इसके अलावा कैप्सूल, जैसे आंवला है, कैरम्बोला है, ये कैप्सूल प्रकार का होता है इनका फल का प्रकार। फिर एग्रेगेट फूल्स फ्रूट्स और या इटेरी ऑफ बेरीज, एग्रेगेट या इटेरी ऑफ बेरीज, ठीक है, इसके अंदर रस्प बेरी आ जाती है, कस्टर्ड एप्पल आ जाता है, ब्लैकबेरी आ जाती है, स्ट्रॉबेरी आ जाती है, ठीक, एग्रीगेट फ्रूट्स के अंदर। फिर इसको मल्टीपल फ्रूट्स के अंदर दो कैटेगरी आ जाती है, मल्टीपल फ्रूट्स के अंदर सोरोसिस, सोरोसिस में पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, मलबेरी, ब्रेड फ्रूट, ये सारे के सारे सोरोसिस में आ जाते हैं। एक है साइकोनस, उसी की मल्टीपल जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक सोरोसिस, एक साइकोनस। साइकोनस के अंदर फिग आ जाता है, अंजीर, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस ऑफ ग्रोथ, मतलब उनकी जो ग्रोथ की निरंतरता है उसके आधार पर उनको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो हमेशा हरे भरे रहते हैं ना, तो उनको सर्दी के अंदर फर्क पड़ता है ना किसी गर्मी के अंदर फर्क पड़ता है। और एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक टाइम उनके पत्ते पककर गिर जाते हैं, तो इसके भी खास खासियत होती है अपने पौधों की क्लाइमेट के हिसाब से। जो भी ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के हैं, मतलब मध्य भारत और उत्तरी भारत के हैं, वो ज़्यादातर ये चीज़ शो करते हैं, डेसियोडस वाली, पतझड़ वाली फॉलो करते हैं, ज़्यादातर पौधे फॉलो करते हैं,
और ट्रॉपिकल के तो सारे ही फॉलो करते हैं, सॉरी टेम्परेट के तो, ठीक है, टेम्परेट जो क्लाइमेट है, शीतोष्ण वाला ठंडा मौसम है, वहाँ तो ज़्यादातर पौधे डेसोडस होते हैं, मतलब जैसे ही मौसम ठंडा होता है या सर्दियाँ आती हैं वहाँ के पौधे पत्तियाँ झाड़ देते हैं, जिससे कि उनको बर्फ से नुकसान ना हो। अब सब ट्रॉपिकल में भी ऐसी कंडीशन होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस समय पौधे, कुछ पौधे तो झाड़ देते हैं पत्तियाँ, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सर्दी को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है, उस टाइम वो फल पत्तियाँ झाड़ देते हैं और एकदम से डिफोलिएट हो जाते हैं पौधे, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के होते हैं दक्षिणी भारत के अंदर, जहाँ पे तापमान एक जैसा रहता है, वहाँ पे ज़्यादातर पौधे एवरग्रीन होते हैं, तो वहाँ जो जंगल है वो भी एवरग्रीन है, ठीक है। तो एवरग्रीन पौधे मतलब जो हमेशा सदाबहार में रहते हैं, जिनकी पत्तियां हमेशा भरी भरी रहती है, जो ये कह लो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले लगभग लगभग होते हैं, जैसे आम है, सिट्रस है, लीची है, सपोटा है, ये ज्यादातर पौधे पत्तियां नहीं झाड़ते, इनकी पत्तियां हमेशा पौधे पे आपको दिखेंगी, पौधा हरा भरा ही दिखाई देगा, अपनी ग्रोथ भी करते हैं, ऐसा नहीं कि पत्तियां उसकी पुरानी पत्तियां झड़ती हैं, पर एकदम से सारी पत्तियां नहीं झड़ती कि पौधा बिल्कुल गंजा हो जाए, उसके ऊपर पत्तियां ना दिखाई दे, ठीक। तो मैंगो है, सिट्रस है, लीची है, सपोटा है, ये एवरग्रीन है, इनके ऊपर पत्तियां आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा डेसोडस है, जिनके अंदर ये कह लो कि पतझड़ी पौधे, तो इसमें एप्पल आ जाता है, सेब, पियर है, नाशपाती, पीच है, आड़ू, प्लम है, आलू बुखारा, एप्रिकोट, खुबानी, एक्सेट्रा, मतलब जो भी आपके टेम्परेट फ्रूट्स हैं वो, ठीक है, वो डेसोडस होते हैं पतझड़ी। फिर क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन राइपनिंग बिहेवियर, राइपनिंग बिहेवियर के अनुसार पौधों को क्लासिफाइड किया जा सकता है कुछ कैटेगरी के अंदर, मतलब उनकी जो पकाव वाला होता है उसके आधार पर। पहला है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, ठीक है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स ऐसे फल जिनको तोड़कर पकाया जाता है, ये कह लो जैसे ही हार्वेस्ट करते हैं इनकी जो रेस्पायरेशन रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ऐसे फल क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। द शार्प राइज इन रेस्पायरेशन आफ्टर हार्वेस्टिंग, मतलब उनकी जो रेस्पायरेशन रेट है जैसे ही तोड़ लिए जाते हैं उसके बाद उनकी जो श्वसन दर होती है वो बढ़ जाती है। श्वसन दर बढ़ने के कारण क्या होता है, उसमें हीट पैदा होती है और हीट से इथाइलिन गैस ज्यादा बनती है, जिसके कारण वो फल पक जाते हैं, ठीक है। इनका जो एग्जाम्पल है जिनको तोड़कर पकाया जाता है, जैसे मैंगो, आम है, बनाना, केला है, सीताफल है, कस्टर्ड एप्पल, फिग है, अंजीर, पीच, आड़ू, गुआवा, अमरूद, पपाया, पपीता, एप्पल, सेब, सापोटा, चीकू, पियर, नाशपाती, प्लम, आलू बुखारा, जैक फ्रूट, कटहल, पैशन फ्रूट, ठीक है। उसके बाद नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स जिनको पेड़ पे ही जो पकते हैं, जहाँ जिनको पके हुए उनको तोड़ा जाता है, इनके अंदर अगर तोड़ भी लिया जाए, अगर कच्ची अवस्था में तोड़ लिया जाए तो ये पकते नहीं हैं, इनकी क्वालिटी डिटोरेट हो जाती है, मतलब वहाँ से वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, सनेसेंस की तरफ बढ़ना लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं वो फल। जबकि जो क्लाइमेट्रिक होते हैं वो तोड़ने के बाद अगर कच्ची अवस्था में तोड़ लिया जाए तो वो पकाव तक पहुँच जाते हैं, मतलब एक पूरी शेप ले ली, पूरा साइज ले लिया और उसको तोड़ लिया तो वो पक जाएंगे। और इनमें क्या होता है कि अगर उनको कच्ची अवस्था में, जहाँ जब वो पूरा साइज ले चुके हैं, अभी पके नहीं है तो तोड़ लिए तो वो खराब हो जाएंगे, पकेंगे नहीं। तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं जो जिनकी स्टेडी रेस्पिरेशन रेट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जो उनकी श्वसन दर होती है वो रुकी रहती है हार्वेस्टिंग के समय, रुक जाती है, मतलब जैसे ही आपने तोड़ लिया उसकी रेस्पायरेशन रेट उसी रेट पे चलती रहती है, ना कि वो बहुत ज़्यादा एकदम से राइज होती है ना बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब श्वसन तो हर सब्जी जब फल तोड़ने के बाद भी करते रहते हैं, जब तक कि वो जिंदा होते हैं उनमें वो क्रिया चलती रहती है, ठीक है, श्वसन दर उनकी चलती रहती है। तो इनमें श्वसन दर एकदम से इंक्रीज नहीं होती, मतलब उनका जो सांस लेने वाला काम है ना वो एकदम से इंक्रीज नहीं होता, जिसके कारण उसमें हीट जनरेट नहीं होती, वो फल धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जाने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका, जैसे सिट्रस है, नींबू वर्गीय फल होते हैं, इनको ज्यादातर पकों को ही तोड़ा जाता है, अंगूर है, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट है, लीची है, बेर है, पाइनएप्पल है, ठीक है, जामुन है, कैशोनट, ठीक है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ये फल इसके अंदर नॉन क्लाइमेट्रिक फल होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट, मतलब जो प्रकाश या दीप्ति कालिता होती है उसके अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार फलों को क्लासिफाइड किया जाता है।
मतलब दिन की जो अवधि होती है, कितने टाइम उनको लाइट चाहिए, उसके आधार पर प्रकाश अवधि भी कह देते हैं, दिन की लंबाई के आधार पर भी लिख देते हैं कई लोग, ठीक है, दीप्तिकालिता भी कह देते हैं वो चीज़ कि शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट ऐसे पौधे जिनको जो लाइट कह लो कि लाइट की टाइम होता है वो 12 घंटे से कम होता है, 12 घंटे कह लो या 12 घंटे से कम होता है, जिनकी ज़रूरत होती है मतलब उनके फलन के लिए इतने तापमान की सॉरी इतने प्रकाश के घंटों की आवश्यकता होती है, इसी पे वो उगते हैं। तो 12 घंटे से कम हो शॉर्ट डे, यानी कि लघु दीप्तिकालिक पौधे, हिंदी में लघु दीप्तिकालिक पौधे। तो प्लांट रिक्वायर डे लेंथ लेस देन 12 आवर, 12 घंटे से कम। तो एग्जाम्पल है इसके अंदर स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, अनानास, कॉफ़ी, ये शॉर्ट डे प्लांट हैं। फिर लॉन्ग डे प्लांट या दीर्घ दीप्तिकालिक पौधे जिनको 12 घंटे या तो प्रकाश चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, जिससे अपने गर्मी के अंदर जो भी कंडीशन रहती है वो चीज़। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है प्लेंटेन्स। प्लेंटेन्स होता है बनाना की एक किस्म है जिसको प्लेंटेन कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर सब्जी के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसी किस्में, ठीक है, प्लेंटेन कहलाती है। पैशन फ्रूट है, एप्पल, सेब है, ठीक है। फिर उसके बाद है डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल मतलब जिनके दीप्तिकालिकता उदासीन कह लो, ऐसे पौधे उदासीन होते हैं, मतलब उनको ना तो लाइट से कोई फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो नॉट इफेक्टेड बाय डे लेंथ और डे लाइट पीरियड, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जाम्पल है पपीता है, गुआवा है, बनाना है, केला, मतलब तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सैलिनिटी टॉलरेंस। सैलिनिटी टॉलरेंस तो ये कह लो कि लवणता होती है उससे उनकी सहिष्णुता के आधार पर वर्गीकरण। तो टॉलरेंट कौन कौन से होते हैं, मतलब जो सैलिनिटी को सहन कर लेते हैं, बेर है, ठीक है, अनार, पोमग्रेनेट है, फालसा है, डेट है, आंवला है, कस्टर्ड एप्पल है और गुवावा है। मतलब जो मिट्टी के अंदर सैलिनिटी होती है, मतलब अम्लीय सॉरी लवणीय होती है, उस चीज़ के अंदर ये कल्टीवेट हो जाते हैं, टॉलरेंट होते हैं, मतलब उसको सहन कर सकते हैं, जो भी मैंने अभी फल गिनाए। और मॉडरेट टॉलरेंट मतलब ये कह लो कि इनको उगाया जा सकता है पर ये टॉलरेंट नहीं है, या मध्यम होते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जो लवणीय मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मध्यम से प्रकार की होनी चाहिए, लवणीय नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों के बीच में होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें आ जाता है फिग, सिट्रस, मैंगो, आम, ग्रेप्स, अंगूर, कैशो, काजू, जामुन आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेंसिटिव, संवेदनशील पौधे जिनको लवणीयता या लवणीय मिट्टी में कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, जैसे पीच है, आड़ू, एप्रिकॉट, खुबानी, एवोकाडो, आलमंड, बादाम, प्लम, जो आपका आलू बुखारा होता है, पियर, स्ट्रॉबे पियर होता है, नाशपाती, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, ये इसके कुछ पौधे हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक। तो ये वाला मैं जो टॉपिक है तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन अभी वेजिटेबल्स के अलावा आपका फ्लावर्स का भी है और स्पाइस का भी है, तो वो मैं नेक्स्ट आपके वीडियो में जो आप मेरा सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं इनको डिस्क्राइब करूंगा। थैंक